SW24 न्यूज हमेशा ही आमजन की आवाज बनता रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर हम आम जनता की आवाज बनकर सामने आए। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी ने आम लोगों की समस्या और सुझावों को स्वास्थ्य विभाग की दिल्ली से आई टीम के सामने रखते हुए उनके सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार की मांग रखी है। पिछले कुछ दिनों से जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को ये टीम उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान SW24 न्यूज ने आमजन की आवाज बनते हुए उन मुद्दों को टीम के सामने रखा जिनकी आवाज आमजन लंबे समय से उठाते रहे हैं, या वे मुद्दे जो आमजन के लिए परेशानी और दिक्कतों का सबब बनते रहे हैं, उन मुद्दों पर दिल्ली की टीम का ध्यान दिलवाया। निरीक्षण टीम ने बड़े गौर से सभी बातों को सुनते हुए बीएमओ को जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। ग्राम के सरपंच मुकेश मंडलोई ने भी जनहितैषी मुद्दों को टीम के सामने रखते हुए उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की है। जांच के दौरान हॉस्पिटल के पीछे कीचड़ पसरा मिला, वहीं इलाज सामग्री खुले में पड़ी मिली, जिस पर दिल्ली की टीम द्वारा हिदायत दी गई। दिल्ली से आई टीम में आनंदी बीसा एवं अभिषेक गोस्वामी शामिल है। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। दो तीन बातें हैं। आज उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिल्ली साई टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान SW24 न्यूज आम जनता की आवाज़ बना और आम जनता की उन समस्याओं को इस टीम के सामने रखा। हमने सबसे पहले एक समस्या रखी है, जिसमें हमने बताया है कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है जो मुफ्त में क्रियान्वयन होना चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही थी। लगातार SW के पास इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। इस बात को हमने टीम के सामने रखा, टीम ने इस पर निराकरण की बात कही है। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार बीएमओ साहब ने यहाँ पे दो बोर्ड लगाकर सूचित करने के लिए भी बात कही है। इसके बाद हमने दूसरी मांग रखी और उस दूसरी मांग में हमने कहा कि यहाँ रात में अधिकतर कई बार डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ये कुर्सी आप जो देख रहे हैं, ये कुर्सी उस बात की साक्ष्य है कि कई बार यहाँ पे पेशेंट लगभग आधा आधा एक घंटा परेशान होते रहे और डॉक्टर नहीं मिलने पर खरगोन रेफर होते रहे, इमरजेंसी वार्ड से खरगोन रेफर रही। ये दूसरी मांग हमने रखी है जो आम जनता की सबसे बड़ी मांग थी। इसके बाद हमने तीसरी मांग रखी है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हाल, जहाँ पे अधिकतर महीने में 2 से 3 बार मीटिंग होती है और घंटों मीटिंगें चलती रहती है। इस दौरान OPD में कई लोगों को समस्याएँ होती थी और OPD में आने के बाद में कई बार लोग या तो ये देख के चले जाते थे कि मीटिंग हो रही है, और या तो उन्हें ये कह दिया जाता था कि मीटिंग के बाद आएँ। तो इन तीन चीज़ों के साथ में हमने यहाँ के सरपंच महोदय के साथ यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग भी रखी है। इन मांगों के साथ में हमने और भी जो निरीक्षण टीम आई उनसे कई तरह की मांगें रखी है। SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश आप सभी को ये बता देना चाहता है कि हम आम जनता के साथ सदैव रहें, आम जनता की आवाज़ बनकर रहें। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक दुल्हन की तरह सजा है। एक बात बता दूं आपको कि यहाँ जो है आज केवल रैंकिंग के लिए ये शोभा बनाई गई है, गुब्बारे लगाए गए हैं, फूल सजाए गए हैं। आम जनता और मरीज जब आता है तो आम जनता की रैंकिंग, हम चाहते हैं कि आम जनता की रैंकिंग को यहाँ देखा जाए, न कि प्रशासनिक रैंकिंग को देखा जाए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे एक बार फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल